एंड वेलकम टू कुक विद अंजलि फ्रेंड्स। तो रेनी सीजन में पकोड़े खाना किसको पसंद नहीं होता, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ये यम्मी यम्मी ऑनियन पकोड़ा, वो भी चटनी के साथ। यहाँ पे मैं बनाना सिखाऊंगी आपको आमचूर की चटनी, जो बहुत ही जल्दी से बन जाती है और जिसको आप खाएंगे ना रेनी सीजन में तो बस मज़ा ही आ जाएगा। तो आज आप मेरे साथ देखिए ये मज़ेदार यम्मी सी ऑनियन पकोड़ा और चटनी की रेसिपी। फ्रेंड्स, ऑनियन पकोड़ा मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ऑनियन पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑलिव ऑयल ले लिया, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं, लेके मैं इसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं घोल बनाना। अब मैंने ऑनियन को हीट करने के लिए रख दिया, मैं ले रही हूँ एक बाउल और उसके साथ ले रही हूँ बेसन। तो मैं इसमें डालूंगी बेसन, ये बहुत ही क्रिस्पी ऑनियन पकौड़ा बनेगा। अब जैसे कि मॉनसून सीजन है, इसमें आप बना के खाइए, बहुत ही अमेजिंग लगेगा। एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी बनता है पकौड़ा। और साथ ही इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, चावल लीजिए और मिक्सी में आप अच्छे से पीस लीजिए। मैंने देखिए अभी अभी प्रिपेयर किया है ये आटा मैंने, ये हम 1.5 चम्मच डालेंगे। ज़्यादा डालेंगे तो ड्राइनेस ले आता है, तो सिर्फ 1.5 स्पून। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी गाढ़ा गाढ़ा दही है ये 2 चम्मच, और साथ में मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ मसाले। तो मैं ले रही हूँ सॉल्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। यहाँ पे मैंने काला नमक लिया है और प्लेन सॉल्ट लिया है वाइट वाला, तो थोड़ा सा मैं काला डाल रही हूँ, काला नमक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दो तरह के नमक है, तो थोड़ा देख के डालना है। और ये है जीरा पाउडर, और साथ में मैंने लिया है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, और मैंने लिया है लाल मिर्ची पाउडर। इससे इसको बहुत ही अच्छा कलर आएगा और फ्लेवर तो आएगा ही आएगा, तो जो पकोड़ा है उसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और साथ में हम डाल रहे हैं थोड़ा सा हींग, ताकि जो है पकोड़े नुकसान ना दे किसी को भी। तो लिटिल हींग हम इसमें डाल रहे हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हींग डाल दीजिए। अब जो है हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ज़्यादा नहीं लेना। देखिए बिल्कुल इतना सा मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ, मैंने ये डाल दिया। उसके बाद हम बेकिंग पाउडर के ऊपर थोड़ा सा डालेंगे लेमन। देखिए बेकिंग पाउडर के ऊपर थोड़ा सा मैंने लेमन डाला, ये देखिए ये एक्टिवेट हो रहा है। इसको मिक्स कर लीजिए, साथ ही अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम घोल बना लेंगे। हमें घोल जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना, क्रिस्पी। अगर हम घोल बहुत गाढ़ा बनाते हैं तो जो पकोड़े होंगे उसके ऊपर बहुत मोटी सी लेयर बेसन की आ जाएगी, तो हमें लेयर बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं चाहिए, बहुत पतली भी नहीं चाहिए। मीडियम से जैसा हम घोल रखेंगे वैसी ही लेयर पकोड़े के ऊपर आएगी। तो मैं इसे मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। देखिए इस तरीके से जो हमने ये डाला है ना सोडा और लेमन, उससे जो पकोड़ा है बहुत ही, एक तो क्रिस्पी तो बनेगा ही, साथ में ऑयल कम खींचेगा और बहुत फूला फूला पकोड़ा बनेगा। देखिए कितनी अच्छे से हम बैटर बना लिया हमने। अब बाकी हम जब इसमें ऑनियन डालेंगे, जब पानी एडजस्ट करेंगे। ये मैंने लिए हैं ऑनियंस, ये मैंने इस तरीके से काट लिए हैं लंबे लंबे, इनको मैं डाल लेती हूँ इसके अंदर, और अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अगर अभी इस सिचुएशन में हमें, इस स्टेज में हमें पानी की नीड होगी तो हम पानी डालेंगे, अगर नहीं नीड होगी तो अभी देखेंगे। इसको मिक्स करके एक लेयर हमारे ऑनियन के ऊपर आनी चाहिए,
मिक्स कर लिया। देखिए बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट जो है लेयर आई है हमारी बेसन की ऑनियन के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, ऑयल को हमने गर्म करने रखा था, हमको इसमें ऑयल डालना है, लेकिन उससे पहले जो मैंने यहाँ पे चिलीज लंबी लंबी काट के रखी है इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपको बहुत ही अच्छी सी झटपट बन जाने वाली अमचूर की चटनी भी सिखाऊंगी। तो जब ये पकोड़े मैं रखूंगी फ्राई होने के लिए, इतनी देर में मैं हम चटनी रेडी करेंगे। तो हमारा ऑयल जो है बिल्कुल गर्म हो गया है। अब मैं उसमें से 2 चम्मच ऑयल बिल्कुल गर्मा गर्म एकदम मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए मैं इसमें गर्मा गर्म ऑयल डाल लिया है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये सारा जो प्रोसेस है ये पकोड़े को क्रिस्पी बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये ज़रूर करना आप। ये देखिए हमारा जो ऑयल है वो हीट हो गया बिल्कुल प्रॉपर। अब मैं फ्राइंग स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ऐसे देख थोड़ा सा छीटा मार के हम इसमें देखेंगे और तुरंत से बबल्स ऊपर आ गए, तो ये पहचान है कि ऑयल जो है प्रॉपर हीट ले चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी अपने जो हमने मिक्स बनाया हुआ है पकोड़े, मैं इसमें डाल देती हूँ बनने के लिए। गैस को मीडियम कर देते हैं। इसको हम गोल गोल काट के भी डाल सकते हैं, या मैंने लंबे लंबे प्याज काटे हैं, किसी को गोल गोल जो स्लाइस में पकोड़े होते हैं उस तरीके से अच्छे लगते हों या पसंद हो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, और ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लंबे लंबे काट के भी बहुत अमेजिंग बनते हैं। हम इसी तरीके से कोई भी पकौड़ा बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने ऑनियन लिया है, आप इसी में ही बाकी सारी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं काट के, तो मिक्स पकौड़ा भी आप बना सकते हैं इसी तरीके से। तो मीडियम हीट पे, एकदम से तेज़ नहीं करना। फ्रेंड्स अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि जो हमारा ऑयल हमने हीट करने के लिए रखा हुआ एकदम से बहुत गर्म हो गया, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए गैस से उतार के साइड में रख दीजिए, थोड़ा टेम्परेचर ऑयल का थोड़ा सा कम हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपना पकोड़ा बनाना स्टार्ट करिएगा, नहीं तो एकदम से आप डालेंगे तो सारे पकोड़े जल जाएंगे। तो हीट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म आपको नहीं चाहिए, डालते ही नहीं तो जल जाएगा पकोड़ा, अंदर से होगा कच्चा और बाहर से आपका पकोड़ा जल जाएगा। तो हमें जो ऑयल गर्म चाहिए होता है वो एकदम ऐसा टेम्परेचर चाहिए होता है कि जाके पकोड़ा नीचे चिपके भी नहीं। कभी कभी भी हम ठंडे ऑयल में डाल देते हैं तो नीचे से चिपक जाता है, जैसे हम डालेंगे तो वो चिपक जाएगा नीचे ठंडे ऑयल में अगर डालेंगे, और अगर हम डालेंगे बहुत तेज़ गर्म में तो वो जल जाएगा। तो ऑयल का टेम्परेचर भी सेट अच्छे से होना चाहिए। तो एक बार मैं इनको पलट देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी चटनी बनाने का प्रोसेस। तो एक बार इसको पलट देते हैं ताकि एक साइड से ज़्यादा ना हो जाए, दोबारा से फिर से पलट दूंगी मैं। तो अब हम बनाएंगे अमचूर की बड़ी अमेजिंग सी चटनी, बहुत ही फटाफट बन जाती है। जब भी आप पकोड़े बनाएं तो एक साइड गैस पे आप पकोड़े बनाएं और दूसरी साइड चटनी बनाएं और फिर उसका मज़ा लें। तो मैं इसको थोड़ा सा मीडियम कर देती हूँ गैस को, और साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक पैन, और उसमें मैं मिक्स तैयार करूंगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे जो ये पकोड़े हैं जो फ्राई हो रहे हैं उसको मैं अपनी दूसरे बर्नर के ऊपर रख देती हूँ बनने के लिए। तो यहाँ पे ही बनना रख देती हूँ, और पहले तो इसे बंद करेंगे। यहाँ पे मैंने ले रही हूँ अमचूर पाउडर, किसी भी ब्रांड का अमचूर पाउडर आप ले लीजिए। अमचूर पैकेट को खोल लेती हूँ, मैं अमचूर पाउडर लिया है मैंने, अब मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। मैं डालूंगी पहले 2 से 3 चम्मच अमचूर पाउडर,
डाल दिया है मैंने। उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची आधा चम्मच, कलर अच्छा आएगा, ये कश्मीरी मिर्ची है। और साथ में मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी नमक, ये छोटी चम्मच है, इससे मैंने 1.5 चम्मच डाला है। उसके बाद इसमें जो है पानी हम थोड़ा सा, अभी ये गैस हमारी बंद है, पानी हम धीरे धीरे डालेंगे, स्लोली स्लोली, इसमें लम्ब्स नहीं आने देना, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और पानी डाल के मैं आपको घोल दिखाऊंगी हमें कैसा तैयार करना है। ये देखिए ऐसा थोड़ा सा पतला है, हम इसे पकने के लिए रखेंगे। मैं अपने पकोड़े भी संभाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बैच हमारे पकोड़ों का बन चुका है, मैंने दूसरा बैच लगा दिया बनने के लिए। और ये यहाँ पे हमारी जो अमचूर की चटनी है वो भी बॉयल हो रही है, इसको अच्छे से उबाल लेंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे, अगर आपको गुड़ से बनानी है तो इसमें गुड़ डाल दीजिए, अगर आपको चीनी से बनानी है तो चीनी से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अब इसमें मीठा, मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ आज मैं, तो देखिए चीनी मैं डाल रही हूँ 1, 2, थोड़ी खट्टी मिट्टी होती है, 3 and 4, ये स्पून का साइज थोड़ा छोटा है, नॉर्मल जो हमारी स्पून होती है उस पर छोटा है, बाकी हमको जैसा खट्टा मीठा चाहिए होता है इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा साइड चम्मच भी लेके ठंडा करके। ये चटनी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, आप इसको 1 हफ्ते 10 दिन तक खा सकते हैं, ठंडा करके आप जार में भर के फ्रिज में रख लीजिए और इसको खाते रहिए, बड़ी ही अमेजिंग लगती है खट्टी मीठी चटनी, जैसे कि इमली की खट्टी मीठी चटनी होती है, कुछ कुछ वैसी ही होती है ये। पकोड़ों को मैं संभाल लेती हूँ साथ साथ, क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े और खट्टी मीठी चटनी और साथ में हो जाए चाय, तो मज़ेदार। जब बारिश के मौसम में ये ज़रूर इंजॉय करके आप देखना कितना अमेजिंग ये बनेगा, कॉम्बिनेशन ही अलग है और ये सिर्फ रेनी सीजन में ही इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे फ्राई करके और इसे पका के। फ्रेंड्स देखिए, मैंने गैस बंद कर दी है और ये अभी इतनी थिक है और ये जैसे जैसे ठंडी होएगी ये और थिक हो जाएगी, तो मैं अब इसे ठंडी करने के लिए रख देती हूँ। पकोड़े भी मेरे रेडी हैं, अब इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी आपको सर्व करके। तो दोस्तों, गर्मा गर्म पकोड़ा आमचूर की चटनी के साथ बिल्कुल रेडी है, ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अमेजिंग बने हैं ये पकोड़े। ये देखिए फ्रेंड्स कितना क्रिस्पी ये बना है, आवाज़ देखिए इसकी अगर आपको आ रही होगी तो। और ये हमारी जो चटनी है इसमें इसको ऐसे डालिए और ऐसे इंजॉय कीजिए यम्मी से पकोड़े और साथ में लीजिए एक कप चाय। और मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।